इस वीडियो में हम 8 जनवरी से 15 जनवरी तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम को कवर करेंगे वन लाइनर के माध्यम से। वीडियो में हम सभी टॉपिक जैसे प्रथम, पदों की नियुक्ति, इंडेक्स, रिपोर्ट, खेल, पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एवं राजनैतिक घटनाक्रम, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड योजना, कार्यक्रम, साइन अभ्यास, समझौते जैसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को प्रस्तुत करने वाले हैं। तो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके BPSC, CDPO, दरोगा। तो ज़्यादा ना देर करते हुए चलते हैं, आज नियुक्ति से रिलेटेड है। अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में जो है पंजाब के DGP को जो है हटाया गया है और उसके स्थान पर नए DGP आए हैं। तो वो DGP का नाम क्या है, तो वीरेश कुमार भावरा पंजाब के जो है नए DGP बने हैं। अब है ग्रो कंपनी के निवेशक एवं सलाहकार कौन बने हैं, तो सत्या नडेला जो है ग्रो कंपनी के निवेशक एवं सलाहकार बने हैं। आइए अब देखते हैं AIIB जिसे जो हम कहते हैं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में जो है किसकी नियुक्ति हुई है। तो अभी हाल ही में जो है उर्जित पटेल की जो है नियुक्ति हुई है। ये जो है भारत के जो है गवर्नर भी जो है रह चुके हैं। आइए अब देखते हैं IIT दिल्ली के नए निदेशक कौन बने हैं, तो रंगन बनर्जी। और मद्रास के नए निदेशक कौन बने हैं, तो KV कामकोटी। और मंडी IIT मंडी के जो है निदेशक बने हैं कौन, लक्ष्मीधर बेहरा। और IIT इंदौर के नए निदेशक कौन बने हैं, सुहास जोशी। आइए अब देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, PM सुरक्षा उल्लंघन जांच समिति का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है। तो देखिए PM सुरक्षा उल्लंघन जांच समिति का अध्यक्ष जो है इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। और इसके अलावा जो है 4 और अन्य सदस्य जो है इसमें जो है शामिल है। अब कौन कौन है, तो NIA के जो है महानिरीक्षक वो रहेंगे शामिल, चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडिशनल DGP जो है ये जो है PM सुरक्षा उल्लंघन जांच समिति के सदस्य के रूप में जो है नामित हुए हैं। अब देखते हैं भारत के नए अमेरिकी राजदूत कौन बने हैं, तो Eric M. Garcetti जो है भारत के नए अमेरिकी राजदूत बने हैं। कहाँ के, तो अमेरिकी राजदूत बने हैं, भारत में बने हैं। अब देखते हैं ICHR के नए अध्यक्ष कौन है, तो ICHR के नए अध्यक्ष जो है रघुवेंद्र तंवर। कौन बने हैं, रघुवेंद्र तंवर। अब आगे बढ़ते हैं प्रथम की ओर, तो देखिए AFC महिला फुटबॉल एशिया कप टूर्नामेंट के दौरान कौन सी तकनीक भारत जो है पहली बार इस्तेमाल करेगा। अभी जो खेल होने वाला है AFC महिला फुटबॉल एशिया कप टूर्नामेंट, उसमें बोल रहा है कि वो कौन सी तकनीक है जिसे जो है भारत जो इस्तेमाल करेगा, तो उसका नाम क्या है, तो VAR। इसे जो है फुल फॉर्म इसका है वीडियो असिस्टेंट रेफरी। क्या है, तो VAR वीडियो असिस्टेंट रेफरी। अब है कोरोना के नए वेरियंट डेल्टा क्रोन का प्रथम मामला किस देश में आया है। कोरोना के जो नए वेरियंट जो है जो कि चेंज होते रहते हैं, तो वही बोल रहा है कि डेल्टा क्रोन का जो है प्रथम मामला कहाँ आया है, तो साइप्रस में जो है ये आया है। अब है बांका के प्रथम महिला सांसद कौन थी जिसका हाल ही में निधन हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा शकुंतला देवी। कौन, तो शकुंतला देवी जो है बांका के प्रथम महिला सांसद थी। अब देखते हैं बिहार में कोरोना की पहली बूस्टर डोज टीका किस तिथि को जो है लगी है, तो बोल रहा है कि बिहार में कोरोना की पहली बूस्टर डोज की किस तिथि को लगी है, तो 10 जनवरी 2020। पहले जो है किसे दिया गया, हेल्थ वर्कर को, फ्रंटलाइन वर्कर को और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को। अब है भारत का प्रथम स्वदेशी विमान महापोत जो है विक्रांत, जो कि अगस्त 2022 में बेड़े में शामिल होने से पहले गहरे समुद्र में जटिल युद्ध अभ्यास के लिए किस तिथि को परीक्षण शुरू किया है इस अभ्यास के लिए, तो ये जो है 9 जनवरी 2022 को। कितने, 9 जनवरी 2022 को। अब है KVIC ने कहाँ से देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वाइन शुरू की, मतलब शुरुआत कहाँ से की हनी प्रोसेसिंग वाइन की, तो गाजियाबाद से शुरुआत की। और प्रकार जो है स्वीट क्रांति, अगर पूछेगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि स्वीट क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो हनी में आत्मनिर्भरता, आप इसे इंपॉर्टेंट मान के चलिए। अब है दक्षिण कोरिया के लिए प्रथम गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 किसने जीता, तो अभी हाल ही में जो है Oh Ye-Ong-Soo। अब किस देश के अंतरिक्ष यात्री प्रथम मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक जो है संपन्न किया है, मतलब कौन से देश के अंतरिक्ष यात्री, तो चीन के अंतरिक्ष यात्री जो है प्रथम मैनुअल डॉकिंग प्रयोग जो है सफलतापूर्वक संपन्न किया। अब है प्रथम #टैग स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक यानी सप्ताह जो है आयोजित की गई किस तारीख को, तो 10 से 16 जनवरी 2022 के बीच में जो है ये जो है
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा पीयूष गोयल गोयल जी के द्वारा जो है इसकी जो है शुरुआत की गई है, यानी कि आयोजित भी की गई है। अब है पहली बार किस मनुष्य में सुअर का हृदय प्रत्यारोपित किया गया। देखिए जो है चर्चा में बहुत था ये न्यूज, तो वहीं से है और इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेविड बेनेट। डेविड बेनेट ऐसे व्यक्ति है जिसके शरीर में जो है सुअर का जो है हृदय जो है प्रत्यारोपित किया गया है। वो तो अमेरिका के डॉक्टर के प्रयास से किया गया है, कहाँ पर, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के चिकित्सक के द्वारा। अब है सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का कोविड टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। बोल रहे पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, तो लक्षद्वीप जो है 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का कोविड टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है बन गया। अब है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का प्रथम शहर कौन बना है, तो कोच्ची बना है। बना है तो कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड के द्वारा जो है इसे जो निर्मित किया गया है। और यह परियोजना की बात करें तो टोटल जो है 747 करोड़ की जो है यह जो परियोजना थी। अब है विश्व की पहली 155 वर्ष पुरानी संस्कृत शोध पत्रिका काशी विद्या सुधा निधि द पंडित को किस विश्वविद्यालय ने नए कलेवर में जो है पुनर्जीवित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। और इसका नया नाम जो भी जो है दिया गया, क्या नाम दिया है नया नाम, तो सरस्वती सुषमा। अब है व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम यूरोपीय देश जो है कौन है, तो साइप्रस जो है भांग की खेती और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम यूरोपीय देश बना है। अब है किस देश ने 14 जनवरी 2022 को अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जो है पेश की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पाकिस्तान ने जो है अभी हाल ही में जो है 14 जनवरी 2022 को अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जो है पेश की है। किसके द्वारा, तो वहाँ के पीएम जो है इमरान खान के द्वारा जो है यह जो है पेश की गई है। अगर इसकी थीम की बात करें तो राष्ट्रीय सामंजस्य, आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करना, रक्षा एवं क्षेत्रीय अखंडता, आंतरिक सुरक्षा, बदलती दुनिया में विदेश नीति, मानव सुरक्षा, इसकी जो है थीम है। अब है भारत का पहला हेली हब, हेली हब मतलब क्या, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, तो वही बोल रहा है कि भारत का पहला हेली हब बनाने की घोषणा जो है हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री ने किया है, तो वही बोला है कि कहाँ जो है बनाने की जो योजना है, तो गुरुग्राम में जो है इसे जो है बनाने की जो है योजना है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक हलचल हुई है उससे रिलेटेड है, किस देश के सुरक्षा बलों ने सत्ता पर कब्जा की साजिश रचने के आरोप में अपने पूर्व सुरक्षा प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री करीम मासिमोव को जो है गिरफ्तार कर लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने सत्ता पर कब्जे की साजिश रचने के आरोप में अपने पूर्व सुरक्षा प्रमुख एवं पूर्व प्रधानमंत्री करीम मारिसोव को जो है गिरफ्तार किया है। अगर बात करें कि अभी कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो कौन है, कासिम जोमार्ट टोकायेव, कौन है, कासिम जोमार्ट टोकायेव। अब है किस देश के राजकुमारी को 3 साल बाद जनवरी 2022 में जेल से रिहा किया गया है, किस देश की राजकुमारी को, तो सऊदी अरब के जो है राजकुमारी है जिसका नाम क्या है, बसमाह बिंत सऊद, क्या है, बसमाह बिंत सऊद किया गया। अब है निकारागुआ के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है किसने जो है पदग्रहण किया है, तो डेनियल ओर्टेगा जो है निकारागुआ के जो है नए राष्ट्रपति के रूप में जो है अपना जो है पद ग्रहण किया है। अब सातवां है किस देश के सैनिक कजाकिस्तान में अपना अभियान संपन्न कर अपने देश लौट गया, तो रूस की सैनिक, देखिए साझा सुरक्षा संधि संगठन के तहत जो है यह जो है सैनिक जो है कजाकिस्तान में अपना संपूर्ण जो है अभियान जो है करके जो है लौटा है, क्योंकि कजाकिस्तान में जो प्रदर्शन हो रही थी। और अगर बात करें कि ये जो है साझा सुरक्षा संधि संगठन ये जो है कितने देशों का समूह है, यह है इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि, तो ये जो है 6 देश का समूह है, जो पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था वही 6 देश जो है इसका जो है समूह है, और इसका नाम बनाया गया है क्या, तो साझा सुरक्षा संधि संगठन, इम्पोर्टेंट याद कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर बीपीएससी में। अब है 11 जनवरी 2022 को डेविड ससोली का निधन हुआ है, और वे किस पार्लियामेंट के चीफ थे, तो देखिए ये जो है यूरोपियन पार्लियामेंट के जो है चीफ थे, कौन थे, तो डेविड ससोली। अब है नीदरलैंड के चौथी पार्ट प्रधानमंत्री के रूप में कौन जो है प्रधानमंत्री बने हैं, तो मार्क रूट जो है नीदरलैंड में जो है अपनी जो है 4 बार की जो है कार्यकाल के लिए जो है ये जो है प्रधानमंत्री बने हैं। अब है भारी प्रदर्शन के बाद कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो देखिए भारी प्रदर्शन के बाद अभी थोड़ा देर पहले ही हम बताए थे कि इससे पहले जो है एक जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उसे जो गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद देखिए नए प्रधानमंत्री जो है कौन बने हैं, तो अली खान इस्माइलोव, कौन बने हैं, अली खान इस्माइलोव की जो है नियुक्ति कर दी गई है। अब देखते हैं योजना कार्यक्रम एवं अभियान से संबंधित जो है वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम जो है अभी जो है आयोजित हुए हैं,
14 जनवरी को, तो वही है कि यह जो किसके द्वारा जो है यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था। अगर बात करें इसके उद्देश्य की, तो देखिए जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का जो संदेश देना था, तो ये दो पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, किस मंत्रालय के द्वारा, तो आयुष मंत्रालय द्वारा, और उद्देश्य इसका क्या है, तो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का संदेश देना। अब है सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, यह जो किस राज्य ने जो है चलाया है, यह जो है ओडिशा में जो है चलाया है, कौन, तो सीएम नवीन पटनायक ने, और कहाँ पर इसका उद्घाटन किया, तो कटक में जो है उद्घाटन किया है। क्यों किया है, तो कटक निवासी को जो 24 घंटे जो है पीने योग्य जो है पानी जो है आपूर्ति हो सके। अब बात करते हैं पीएम श्रम योगी मानधन योजना का जो है अभी जो रैंकिंग जारी किया गया, उसमें जो है फर्स्ट स्थान पर कौन आया है, फर्स्ट स्थान पर जो है हरियाणा आया है। बिहार के स्थान की बात करें तो छठा स्थान है बिहार का, और झारखंड का जो है सातवां स्थान है। अब बात कर लेते पीएम श्रम योगी मानधन योजना जो है उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका इसका उद्देश्य है मजदूरों को पेंशन प्रदान करना, क्या है, पेंशन प्रदान करना है। अब देखते हैं सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम कार्यक्रम, तो यह जो कार्यक्रम जो है 10 से 16 जनवरी को जो है आयोजित किया गया था, कब, 10 से 16 जनवरी के बीच, और किसके द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन ऐसे बनता है जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना जो है कहाँ की सरकार ने जो है लॉन्च की है, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अब है इंडेक्स रिपोर्ट से संबंधित 2022 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1, जो कि पहली तिमाही के लिए जो है Q1 जो है रिपोर्ट जारी किया गया है, उसके अनुसार जो है यहाँ पर है फर्स्ट स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो जापान एवं सिंगापुर को जो है फर्स्ट स्थान जो है प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहेगा कि 2022 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 की जो है 111 देश की सूची में जो है फर्स्ट स्थान लाने वाले कौन से देश थे, तो सिंगापुर और जापान, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर बोले कि भारत का स्थान जो है कितना है, तो 83 है भारत का स्थान, इससे पहले 2021 में कितना था, तो 90 था। और अगर बात करें तो अंतिम पर कौन है, तो अंतिम स्थान पर जो है अफगानिस्तान है। और इसकी बात करें तो यह जो किसके आंकड़े पर जो है आधारित होती है यह जो है इंडेक्स, तो यह जो है IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़े पर जो है। अब बात करिए जो इंडेक्स है या जो किसके द्वारा जो जारी की जाती है, तो लंदन की एक संस्था है हेनले एंड पार्टनर्स, उसी के द्वारा जो यह जो है जारी की जाती है। अब है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 का जो 17वां संस्करण लॉन्च हुआ है, तो है कि यह जो है किसके द्वारा जो है दिया जाता है, तो WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 1901 के बाद पांचवा सबसे गर्म वर्ष कौन सा वर्ष रहा, तो 2021 जो है पांचवा जो है सबसे गर्म वर्ष रहा। अब है अभी जो है स्मार्ट सिटी रैंकिंग जो है जारी की गई है, इसमें जो है बिहार के जो है चार शहर जो है शामिल है, कौन कौन शहर है, तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार स्वरूप। और बात करें तो भागलपुर का स्थान कितना आया है, 42वां, मुजफ्फरपुर का स्थान 55वां, बिहार शरीफ का स्थान 61वां, और पटना का स्थान जो है 80 रहा है। अब आइए देखते हैं खेल से रिलेटेड वेस्ट इंडीज की पुरुष सीनियर और युवा चयन पैनल के चयनकर्ता किसे नियुक्त किए गए हैं, तो पूर्व कप्तान राम नरेश सरवन को। उसके बाद 10वां है जो कि जो संन्यास से रिलेटेड है, श्रीलंका के बल्लेबाज का नाम क्या है जिसने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो दनुका गुणातिलक जो है श्रीलंका के जो है बल्लेबाज है, उसने जो टेस्ट क्रिकेट से जो है संन्यास लिया है। अब है 2025 रग्बी लीग विश्व कप की मेजबानी जो है कौन करेगा, तो 2025 में जो रग्बी लीग विश्व कप होगा उसका मेजबानी जो है फ्रांस करेगा, कौन करेगा, फ्रांस करेगा। अब है खेलो इंडिया गेम्स 2030 आयोजित कहाँ होगी, तो 2023 में जो है खेलो इंडिया गेम्स जो है मध्य प्रदेश में जो है आयोजित होगी, कहाँ, तो 2023 में जो है मध्य प्रदेश में जो है आयोजित होगी। अब है राष्ट्रमंडल खेल के भारतीय दल प्रमुख कौन बने हैं, तो देखिए 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को जो राष्ट्रमंडल खेल जो है आयोजित होने वाले हैं, तो वही बोले कि उस दल के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो राकेश आनंद को, किसे, राकेश आनंद को। अब एशियाई खेल के भारतीय दल प्रमुख के रूप में जो किसे नियुक्त किया गया है, यह खेल भी जो है 10 से 25 सितंबर 2022 के बीच होगी, किसे किया गया नियुक्त, तो भूपेंद्र सिंह बाजवा को, किसे, भूपेंद्र सिंह बाजवा को। अब आइए देखते हैं असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है, तो सर्वानंद सोनेवाल, वो उसने जो है पहले खेल विश्वविद्यालय का जो है उद्घाटन किया है। अब है संन्यास से रिलेटेड है, दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है, तो क्रिस मॉरिस ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूप से जो है संन्यास लिया है। अब है श्रीलंका के बल्लेबाज
किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो भानुका राजपक्षे जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया है। अब है AFC यानी कि एशिया फुटबॉल परिसंघ महिला एशिया कप के लिए जो है भारत पहुंचने वाला जो प्रथम टीम कौन बनी है, तो चीनी टाइपे टीम। अभी जो है भारत में जो है महिला एशिया कप जो है आयोजित हो रही है, तो वही बोला है कि सबसे पहले जो है आने वाला कौन प्रथम टीम है, तो चीनी टाइपे जो है सबसे पहले जो है भारत पहुंची हुई है। अब है CWI क्रिकेट वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कौन है जिसको जो नाइटहुड की उपाधि मिली, तो क्लाइव लॉयड जो कि क्रिकेट वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, कौन क्लाइव लॉयड, उसे जो है नाइटहुड की जो है उपाधि जो है मिली है। अब है खेलो इंडिया गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो खेलो इंडिया गेम्स 2022 का आयोजन जो है हरियाणा में होगा। अब पेरिस ओलंपिक के लिए भारोत्तोलन के लिए भारत की प्रथम HPD बात करें तो हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में जो किसकी जो नियुक्ति की गई है, तो अविनाश पांडू को जो है पेरिस ओलंपिक के लिए भारोत्तोलन के लिए जो है भारत के प्रथम HPD के रूप में जो है नियुक्ति जो है की है। अब है IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइटर्स KKR के नए गेंदबाज कोच कौन बने हैं, IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के जो है नए गेंदबाज कोच जो है भरत अरुण बने, कौन बने हैं, भरत अरुण बने हैं। अब है फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन है, तो सबसे ज़्यादा जो है कमाई की है उसका नाम है नाओमी ओसाका। अब एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैम्पियनशिप यह जो है अभी जो है आयोजित हुआ है 10 से 13 जनवरी के बीच में, कहाँ पर, तो बांग्लादेश के ढाका इंडोर स्टेडियम में, तो वहाँ पर जो भारत का प्रदर्शन क्या रहा है, तो भारत जो है एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है 6 पदक जीते हैं, और इसमें जो है बिहार के जो है 4 खिलाड़ी जो शामिल है, बिहार के 4 खिलाड़ी शामिल है, कौन कौन, रोहित कुमार जिन्होंने जो रजत पदक जीता है, उपासना आनंद जिन्होंने जो कांस्य पदक जीता है, निर्मल राज उन्होंने भी जो कांस्य पदक जीता है, राहुल कुमार श्रीवास्तव कांस्य पदक जीता है, मतलब उपासना निर्मल और राहुल जो है कांस्य पदक जीता है और रोहित जो है रजत पदक जो है जीता है। अब टेनिस से रिलेटेड जितने भी जो टूर्नामेंट जो है आयोजित हुए हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ATP टूर्नामेंट 2022 जो कि जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है आयोजित हुआ है, और इसकी अगर बात करें तो एकल विजेता आपको इसमें देखना है, एकल विजेता कौन हुए हैं, तो राफेल नडाल जो कि जो स्पेन के खिलाड़ी है। अब है WTA मतलब क्या हो गया, महिला हो गया, वुमेन हो गया, महिला हो गया, तो ये भी जो है वही आयोजित हुए हैं, और इसके विजेता कौन है, सिमोना हालेप। अब दूसरा है एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट, तो इसमें जो है महिला एकल विजेता कौन बने हैं, तो एशले बार्टी, और पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं, तो गेल मोनफील्स। अब देखिए भारत भी जो है पुरुष युगल में जीता है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो पुरुष युगल विजेता कौन जीते हैं, तो देखिए रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन की जोड़ी जो है यह जो है जीता है पुरुष युगल विजेता, और रोहन बोपन्ना जो है राजकुमार रामनाथन के साथ जो पहली बार जो है उन्होंने जो है यह जो है पुरस्कार जो है जीता है। अब टर्की सुपर कप जो है इसका आयोजन जो है और रियान कतर में हुआ था, तो बोल रहा है कि टर्की सुपर कप का जो विजेता कौन सा देश है, तो बेसिकटास, कौन है, बेसिकटास जो है टर्की सुपर कप का जो है विजेता है। अब शतरंज से रिलेटेड खेल वर्गानी कप शतरंज टूर्नामेंट जो है कहाँ आयोजित हुआ, तो वर्गानी कप शतरंज टूर्नामेंट जो है इटली में आयोजित हुआ, और इसके विजेता बने हैं कौन, ग्रैंड मास्टर MR ललित बाबू, ये जो है भारत के हैं, कौन बने हैं वर्गानी कप शतरंज टूर्नामेंट के विजेता, तो ग्रैंड मास्टर MR ललित बाबू। अब भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो देखिए भारत के अभी तक जो है 72 जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हुए थे, लेकिन अब जो है 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो भरत सुब्रमण्यम। अब बात करते हैं कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जो क्या मानक निर्धारित है, तो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जो 3 ग्रैंड मास्टर मानक के साथ जो आपको 2500 अंक की जो है रेटिंग होनी चाहिए, तब जो है आप कौन चीज़ बनेंगे, तो ग्रैंड मास्टर जो है बनेंगे। अब है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है, तो इसका विजेता है नोदिर बेक अब्दुसतोरोव, कौन है, नोदिर बेक अब्दुसतोरोव। अब पुरस्कार से रिलेटेड है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो किसी ने जो है अपना जो है भारत का जो बच्चा जो है नाम दर्ज किया है, तो उस बच्चे का नाम है क्या, आश्विक, क्या है, उस बच्चे का नाम है आश्विक जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो अपना नाम जो है दर्ज किया है। देखिए ये जो है 70 सेकेंड में 104 दुर्लभ प्रजातियों के जीव जंतु का जो है नाम जो है सुना दिया है। अब राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 इसका जो तीसरा जो संस्करण जो है अभी जो है
जारी किया गया है। और इसमें जो है अगर बात करें तो किसने जो प्रथम स्थान लाया है तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जो शीर्ष स्थान पर आया है। और इस पुरस्कार को जो है किसने जो जारी किया है तो जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह ने जो है जारी किया है। अगर बात करें तो यह जो पुरस्कार जो है 7 जनवरी 2022 को जो है जारी हुआ है। और प्रथम जल पुरस्कार की अगर बात करें जो है कब जो है प्रदान किया गया था, कब आयोजित हुआ था प्रथम जल पुरस्कार जारी किया गया था, तो 2018 में जो यह जो पुरस्कार जो सबसे पहले जो जारी किया गया था, यह जो है तीसरा संस्करण है। और इस पुरस्कार में जो है 11 श्रेणियां में यह जो पुरस्कार जो है दी जाती है। अब वैज्ञानिक मेरिट पुरस्कार, तो देखिए यह जो पुरस्कार दिया जाता है किसके तहत, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय साराभाई छात्र वैज्ञानिक पुरस्कार कार्यक्रम 2021 के तहत। और यह जो पुरस्कार किसे मिला है तो प्रणव पीडी को, जो कि जो केंद्रीय विद्यालय DRDO के जो है वो जो है प्रणव डीबी जो है प्रणव पीडी जो है छात्र हैं। अब है फर्स्ट ऑब्जर्व नाउ हायर एजुकेशनल समिट एंड अवार्ड्स, तो यह जो किसको मिला है तो अमन मित्तल को मिला है। और यह जो है LPU के जो है वाइस प्रेसिडेंट है, LPU मतलब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है पंजाब में जो है। और इसे जो है इस अवार्ड का जो आयोजन जो हुआ था इसमें जो है किस तौर पर दिया गया है, तो एक्सेम्पलरी लीडर इन एजुकेशन अवार्ड के तौर पर जो है इसे जो है पुरस्कार दिया गया है। अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022, तो यह जो है अभी जो है कितने भाषा में प्रकाशित किया गया है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 जो है 23 भाषा में जो है प्रकाशित किया गया है। अब भारत कौशल 2021 राष्ट्रीय पुरस्कार, तो इसमें जो है कौन सा प्रदेश जो है प्रथम स्थान आया है, तो इसमें जो है ओडिशा जो है प्रथम स्थान पर आया है। और इसकी अगर बात करें तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है यह जो है प्रतियोगिता जो है आयोजन करवाता है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है फिल्म से रिलेटेड, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022। यहाँ से क्वेश्चन बहुत तरह से बना सकता है कि यह जो कितने नंबर का संस्करण था, तो 79वें संस्करण था। और इसमें जो बेस्ट मूवी ड्रामा जो है किसको मिला है, तो द पावर ऑफ डॉग, इसके जो है निर्देशक कौन है, तो जैन कैफियन। इन दोनों को जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का जो है बेस्ट मूवी ड्रामा और बेस्ट निर्देशक का जो है पुरस्कार जो है मिला है। अब बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा का पुरस्कार किसे मिला है, सक्सेशन को किसके लिए, तो जर्मी स्ट्रॉन्ग के लिए। अब बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस तो निकोल किडमैन। बेस्ट एक्टर इन ड्रामा विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए। बेस्ट पिक्चर एनिमेशन किस के लिए जो है, एनकांटो को। बेस्ट सॉन्ग मोशन पोस्टर के लिए नो टाइम टू डाई फिल्म को। बेस्ट स्क्रीन प्ले कीनाट ब्राइट। बेस्ट टीवी सीरियल म्यूजिकल कॉमेडी को जो है हैक्स को मिला है। बेस्ट म्यूजिकल कॉमेडी वेस्ट साइड स्टोरी को। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, देखिए कोई भी जो भारत के महापुरुष है उससे रिलेटेड अगर कोई पुरस्कार है उसे जो है आप जरूर याद करिए। तो यह जो है किसको मिला है, तो हर्षाली मल्होत्रा। आप सभी जानते होंगे बजरंगी भाईजान फिल्म जो है उसमें जो मुन्नी का किरदार निभाने वाली जो थी हर्षाली मल्होत्रा ही थी, उसे जो है 12वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार जो है 2022 से जो है सम्मानित किया गया है। अब अंतरिक्ष कार्यक्रम से रिलेटेड, नासा ने 8 जनवरी 2022 को अपने किस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में तैनात किया। बोला कि नासा ने जो है किस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में तैनात किया, उसका नाम क्या है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसका नाम क्या है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अध्यक्ष से जो क्वेश्चन आता रहता है BPSC में, तो इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में जो किसे जो है नियुक्त किया गया है, तो एस सोमनाथन को। और वे जो है 10वें अध्यक्ष बनेंगे और किसकी जगह लेंगे, तो के सीवन की जगह लेंगे। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होगा, 3 वर्ष के लिए होगा। अगर बात करें सोमनाथन की, तो यह जो है GSLV MK3 के विकास में जो है अहम योगदान दिया था। और एस सोमनाथन को जो 3 पोस्ट के लिए जो है प्रमुख बनाया गया है, पहला तो इसरो के नए अध्यक्ष, दूसरा स्पेस सेक्रेटरी सचिव जिसे कहते हैं स्पेस सचिव कहते हैं, और तीसरा जो स्पेस आयोग यानी कि स्पेस कमीशन के चेयरमैन के तौर पर इसे 3 पोस्ट जो है इसे जो है दिया गया है। अब किस संस्थान के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के समूह ने बिना चुंबकीय क्षेत्र वाले दुर्लभ तारे की खोज की, तो नैनीताल स्थित जो है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान जो है उन्होंने जो है बिना चुंबकीय क्षेत्र वाले दुर्लभ तारे की जो है खोज की है। और इस दुर्लभ तारे का नाम भी जो है दिया गया, क्या नाम दिया गया, हार्ट बीट स्टार। क्यों दिया गया, तो यह जो है यह स्टार जो है इस तारे का प्रकाश जो है दिल की धड़कन जैसा जो है पैटर्न बनाता है। इनके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो कौन है, डॉक्टर संतोष जोशी। अब है इसरो ने
गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल गुणवत्ता परीक्षण किया है। तो वो बोल रहा है कि कहाँ पर जो किया है, तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में जो है इसने जो है परीक्षण किया है। अगर बात करें गगनयान की, तो देखिए भारत का पहला मानव रहित मिशन जो है गगनयान होगा। और अगर बात करें तो जो 15 अगस्त 2022 से पहले जो इसे भेजने की जो है योजना है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो है नियुक्ति, AAIB एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के नए उपाध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किए गए हैं, तो उर्जित पटेल को जो है AAIB एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के जो है नए उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए हैं। और किसके स्थान पर, तो DJ पांड्यन के स्थान पर। और भारत के पूर्व 24वें गवर्नर के रूप में जो है इन्होंने जो कार्यभार अपना संभाला था। और यह जो है AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में कितने साल के लिए नियुक्त हुए हैं, 3 साल के लिए जो है यह जो है नियुक्त हुए हैं। अब है इसके अध्यक्ष कौन है, तो जीन लिक्यून, जो कि चीन के जो है पूर्व वित्त मंत्री थे। अब आइए देखते हैं अगला, OPEC के नए महासचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो हायथम अल घिस को। किसे, हायथम अल घिस को जो है OPEC के नए महासचिव जो है नियुक्त किया गया है। अब देखिए यूनेस्को ने विश्व हिंदी दिवस पर भारत के विश्व धरोहर स्थल का हिंदी विवरण जो जारी करने का निर्णय लिया है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन। अब है IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री जो है कौन बने हैं, तो पियरे ओलिवियर। कौन बने हैं, तो पियरे ओलिवियर जो है IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। और किसकी जगह ये लेंगे, तो गीता गोपीनाथ की जगह लेंगे। अब है संयुक्त राष्ट्र अधिकारी डॉक्टर फर्नांड डे वारेनेज ने भारत में किस सोशल मीडिया ऐप से होने वाली मुस्लिम महिला उत्पीड़न पर चिंता जताई है। देखिए संयुक्त राष्ट्र अधिकारी जो है अभी हाल ही में जो है सोशल मीडिया ऐप की जो है खबर जो चर्चा में थी, तो वही बोल रहा है कि वो कौन सा ऐप है इस पर जो है उन्होंने जो है मुस्लिम महिला उत्पीड़न पर जो चिंता जताई थी, तो सुन्नी डील्स। और इसमें जो है प्रथम गिरफ्तारी जो है MP से हुई है, इंदौर से हुई है। किसके रूप में, तो ओंकारेश्वर ठाकुर के रूप में। अब सहयाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं, तो सहयाई सहयोग संगठन के नए महासचिव जो है झांग मिंग बने हैं। कौन बने हैं, झांग मिंग बने हैं। अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, देखिए जनवरी 2022 में विश्व बैंक ने 2022 में वैश्विक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो 4.1% जो है इन्होंने जो विश्व बैंक ने जो है अनुमान लगाया है। अब देखते हैं IT कंपनी में किसकी आय में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। देखिए भारत की बात कर रहे हैं कि भारत के किस IT कंपनी में जो है सबसे अधिक जो है बढ़ोतरी हुई है उसकी आय में, तो इन्फोसिस जो है उसकी आय में जो है अधिक बढ़ोतरी हुई है। अगर वही बात करें कि IT कंपनी में किसके मुनाफा जो सर्वाधिक हुआ है, तो मुनाफा की जब भी बात करें तो TCS में जो है सबसे ज़्यादा जो मुनाफा हुआ है। अब बात करते हैं तमिलनाडु में MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किसने किया, तो PM नरेंद्र मोदी जो 12 जनवरी 2022 को जो है MSME टेक्नोलॉजी सेंटर जो है तमिलनाडु में जो है उद्घाटन किया है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुक्त व्यापार समझौता अभी तुरंत हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मुक्त व्यापार समझौता FTA जो है किस देशों के साथ हुआ है अभी, तो भारत ब्रिटेन के साथ जो है हुआ है। और यह इसकी वार्ता की शुरुआत जो है 23 जनवरी 2022 से जो स्टार्ट हुआ है, इस साल के अंत तक जो पूरी हो जाएगी। अब बात करें मुक्त व्यापार समझौता का उद्देश्य क्या है, तो दोनों देश में व्यापार बाधा दूर करना एवं सप्लाई चेन की स्थापना करना। अब इससे भारत को फायदा क्या होगा, तो देखिए रोजगार पूरक क्षेत्र जो है टेक्सटाइल, चर्म उत्पाद, जेवरात, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ एवं समुद्री उत्पाद के निर्यात को जो है बढ़ावा मिलेगा। अगर बात करें तो इससे जो कस्टम ड्यूटी कम या ख़त्म होगी, जिससे क्या होगा, तो ब्रिटेन के बाजार में जो आसानी से इससे जो है सामान जाएगा, तो इससे क्या होगा, जब सामान जाएगा तो भारत में जो है सामान बनेगा, तो मतलब क्या रोजगार भी तो उत्पन्न होगा। तो इसी दृष्टिकोण से ब्रिटेन की अगर बात करें तो व्यापार मंत्री कौन है, तो एनी मेरी ट्रेवलियन, और यह जो है भारत की यात्रा पर अभी आए हुए थे। अब है कि दिसंबर 2021 में सालाना जो निर्यात जो है वह जो है कितना हुआ है, तो देखिए 37.81 अरब डॉलर जो है हुआ है। अब विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने 900 मिलियन डॉलर का ऋण जो है अभी हाल ही में जो 13 जनवरी को जो है किसे दिया है, तो श्रीलंका जो है अभी जो संकट से गुजर रहा है, तो उसी के लिए जो है फंडिंग किया है। 900 मिलियन डॉलर जो है उन्होंने जो है श्रीलंका को दिया है, किसने, तो भारत। अब भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में जो किसे नामित की गई है, तो HDFC बैंक जो है अभी जो है भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में जो है नामित हुई है। अब देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स जो है अभी जो है
जारी की गई है, तो वही बोला है कि किसके द्वारा जो जारी किया जाता है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो वैश्विक आर्थिक विकास का जो है इसमें जो है अनुमान लगाया जाता है कि इस साल जो है वैश्विक आर्थिक विकास जो है कितना रहेगा। देखिए अब है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कोई जो अगर घोषणा होता है, चाहे कोई संसद या अदालत के द्वारा जो है कोई निर्णय दिया जाता है उसके संबंध में है, तो किस देश के राष्ट्रपति गुड़ा बांगुली बुर्दी महाबडो ने 51 साल से धधक रहे 230 फीट चौड़े गंदे नरक का दरवाज़ा को बंद करने का जो आदेश दिया है। तो देखिए तुर्कमेनिस्तान ने, देखिए तुर्कमेनिस्तान में जो है नरक का दरवाज़ा के नाम से जो है एक जगह जो प्रसिद्ध है, वहाँ पे क्या है तो गड्ढा हो गया है और उस गड्ढे से जो है हमेशा जो उसमें जो है आग लगा हुआ रहता है। तो वह जो बहुत दिनों से जो है 1971 से ही जो है यह जो है आग जो है अभी तक जो है जल ही रहा है। इसका कारण है कि मीथेन गैस का वहाँ पर जो है रिसाव हुआ है और उसी को जो बंद करने का जो है आदेश जो है उन्होंने जो है दिया है। अब देखिए अगला है, किस देश की अदालत ने नोबल शांति विजेता व अपदस्थ नेता आंग सांग सू को अवैध रूप से वाकी टॉकी आयात करने रखने और कोरोना विषाणु पाबंदियों के उल्लंघन में दोषी पाए जाने पर 4 साल कैद की सजा सुनाई है। तो म्यांमार के सैन्य शासन जो है अभी जो है म्यांमार में सेना की शासन है ना, तो वही जो है उन्होंने जो है वहाँ के अपदस्थ नेता आंग सांग सू को जो है 4 साल के जो है कैद की जो है सजा सुनाई है। अब देखिए चर्चा में था काट्सा कानून, काट्सा कानून है क्या, तो अमेरिका का जो कठोर कानून है और यह जो 2017 में बना था, तो यह जो है किसके लिए बनाया गया था, तो यह जो है किसी देश पर जो प्रतिबंध लगाने के लिए जो है लाया गया था। और इसके तहत जो है देखिए रूस से जो है तुर्की जो है मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है S-400 जो है खरीदा, तो क्या किया अमेरिका ने जो है तुर्की पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। और भारत भी जो है अभी जो है रूस से जो है खरीदने के फिराक में है, तो यही डर है भारत को भी जो है कि कहीं जो है भारत पर भी जो है अमेरिका जो है प्रतिबंध जो है नहीं लगा लेते, इसलिए जो है यह जो है चर्चा में था। और अगर बात करें काट्सा कानून का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सेक्शन एक्ट। क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सेक्शन एक्ट। अब है किस अफ्रीकी देश में राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के निर्देश पर 13 जनवरी 2022 को 7 महीने बाद ट्विटर से प्रतिबंध हटाया, तो नाइजीरिया में जो है राष्ट्रपति के आदेश पर जो 13 जनवरी 2022 को जो 7 महीने के बाद जो ट्विटर से जो है प्रतिबंध जो है हटा दिया है। अब है किस देश में देश के इतिहास में योगदान देने वाली महिला के सम्मान में सिक्कों पर जगह देने का फैसला किया गया है, तो अमेरिका में जो है अभी सबसे पहली बार जो सिक्कों पर जो है एक अश्वेत महिला माया एंजेलो का जो है चेहरा होगा। किसका, माया एंजेलो का जो है चेहरा होगा, यह जो है अश्वेत महिला है। और सबसे पहले अगर बात करें तो अमेरिका में जो है सबसे पहली बार जो है अश्वेत महिला का जो है सिक्का पर जो है इसका जो चेहरा दिया गया है। अगर बात करें माया एंजेलो जो है कौन थी, तो यह जो लेखिका गायिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी अमेरिका की, और यह जो सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मेलकम एक्स के साथ जो काम किया था। हमें किस देश की अदालत ने देवास मल्टीमीडिया के उपनिवेशकों के अनुरोध पर भारतीय दूतावास के उप प्रमुख आवास की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है, तो फ्रांस की अदालत ने कहाँ पर, तो पेरिस स्थित जो संपत्ति है उस पर जो है जब्त करने का आदेश दिया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे गार्ड को अब जो है क्या कहा जाएगा, अभी जो है रेलवे मिनिस्ट्री जो है अभी जो घोषणा की है कि रेलवे गार्ड को अब जो है ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा, कितने तारीख को, 14 जनवरी 2022 से। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व पक्षी दिवस की, तो विश्व पक्षी दिवस जो 5 जनवरी को जो है मनाया गया है, अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो पक्षियों का संरक्षण और संवर्धन देना। अगर बात करें विश्व पक्षी दिवस कब से मनाया जाता है, तो 2002 से जो है मनाया जाता है। अब आइए बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस की, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी 2022 को जो मनाया गया है। अब आइए बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जो 10 जनवरी को जो है हर एक साल जो है मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो विश्व में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना। अगर बात करें प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। और विश्व में बोलने का इसकी स्थान की बात करिए भाषा की, तो चौथा स्थान है विश्व में। और अगर बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी विश्व हिंदी दिवस की, तो 2006 से जो है इसकी जो है शुरुआत हुई है। अब आइए देखते हैं, तो 9 जनवरी को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के 355वां प्रकाशोत्सव पर मोदी जी ने घोषणा की है। तो क्या घोषणा की है, तो मोदी जी ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को जो वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्या, तो वीर बाल दिवस जो है मनाया जाएगा। अब देखिए
विश्व अनाथ दिवस, यह जो है 6 जनवरी को जो है विश्व अनाथ दिवस जो है मनाया जाता है। अब बात करें राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, यह जो है 11 जनवरी को मनाया जाता है। अब न्यू है जो कि पहली बार जो है यह जो सप्ताह जो है मनाया गया इम्पोर्टेंट है, हैशटैग स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह, तो 10 से 16 जनवरी के बीच जो यह जो सप्ताह बनाया है मनाया गया है। और इसमें जो है पीएम मोदी जो 15 जनवरी को जो है ऑनलाइन जो संबोधित किया है, और इसी के तहत जो मोदी ने जो है घोषणा किया कि फर्स्ट राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है 16 जनवरी 2022 को जो है मनाया जाएगा। कितना तारीख को मनाया जाएगा इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी 2022 को। इसका उद्देश्य क्या है, तो स्टार्टअप संस्कृति को देश के दूर दराज के क्षेत्र तक जो है पहुँचाना। अगर बात करें भारत जो है स्टार्टअप में जो कितना स्थान रखता है विश्व में, तो भारत विश्व में जो है 3रा स्थान रखता है। अब देखिए चलते हैं फिर, राष्ट्रीय युवा दिवस जो कब मनाया गया, राष्ट्रीय युवा दिवस जो 22 जनवरी को जो है हर एक साल जो है मनाया जाता है। और बात करें इस बार जो है कितने नंबर का राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है मनाया गया है, तो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव। और यहीं से क्वेश्चन पूछ रहे कि विवेकानंद की जो है कौन सी जयंती जो है इस बार 12 जनवरी को मनाई गई थी, तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा 159वीं जो है जयंती। और इसका विषय क्या था 2022 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का, इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड। और यह युवा महोत्सव जो कहाँ हुई, पुडुचेरी में, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव पुडुचेरी में ऑनलाइन हुआ, मोदी जी जो है ऑनलाइन इससे जुड़े। और इस अगर बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य क्या है, तो भारत के युवा मन को दिशा देना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए शक्ति के रूप में एकजुट करना। अब है 74वां थल सेना दिवस, देखिए सेना दिवस जो अभी जो 15 जनवरी 2022 को जो है 74वां थल सेना दिवस जो मनाया गया है। और इसके तहत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया सेना दिवस के अवसर पर। कहाँ पर, जैसलमेर में, इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया। इसकी लंबाई 225 फीट थी, चौड़ाई 150 फीट थी, वजन जो है 1400 फीट थी। और अगर बात करें इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पहलू की, तो 15 जनवरी 1949 को ही जो है थल सेना के प्रथम चीफ कौन बने थे, तो जनरल के एम करियप्पा। पूछते का क्वेश्चन इतिहास के दृष्टिकोण से प्रथम चीफ कौन बने थे सबसे पहले, तो जनरल के एम करियप्पा। अब है फर्स्ट राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, तो अभी हम बताए ही घोषणा जो है इसकी की है 16 जनवरी को प्रत्येक साल जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। अब है तिरुवल्लूर दिवस, तो यह जो 15 जनवरी को जो है मनाया जाता है तिरुवल्लूर दिवस। उसके बाद जो है सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस, यह जो 14 जनवरी को जो है मनाया जाता है। अब समझौता से संबंधित है, किस देश ने भारतीय ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के 37.49 करोड़ अमेरिकी डॉलर के साथ जो है अनुबंध करार किया है, मतलब कौन सा देश जो है वह ब्रह्मोस एरोस्पेस स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है कितना करोड़ का जो है अनुबंध करार किया है, तो 37.49 करोड़ का, तो वह कौन सा देश है, तो फिलीपींस, राष्ट्रीय रक्षा विभाग फिलीपींस के जो है उन्होंने जो है यह जो है समझौता किया है। अब देखिए इसके तहत क्या है, तो फिलीपींस नौसेना के लिए जो है तट आधारित पोर्ट रोधी मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति से संबंधित जो है सामान जो है खरीदेगा। इससे क्या होगा, भारत रक्षा निर्यात को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। अब रिलायंस जियो ने किस गेमिंग कंपनी के साथ पहली सामरिक साझेदारी की, तो देखिए जूपी जो है गेमिंग कंपनी है उसके साथ जो रिलायंस जियो जो है क्या की, तो साझेदारी की है। अगर बात करें जूपी की, तो भारत की सबसे बड़ी स्किल बैंड कैजुअल गेमिंग कंपनी है। अब देखिए रक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, यूपी के किस स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखी जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा मैनपुरी स्कूल का जो नाम जो है वह जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखी जाएगी। या जो अभी घोषणा की है, अभी रखी गई नहीं है, रखी जाएगी। अब भारत ने आधुनिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुद्र से समुद्र में, क्या बोल रहे हैं, समुद्र से समुद्र में प्रहार करने वाले संस्करण का परीक्षण किया है। वह कहाँ से परीक्षण किया है, समुद्र से समुद्र में प्रहार करने वाला संस्करण का, तो INS विशाखापट्टनम से, कहाँ से, INS विशाखापट्टनम से। अब है रूस में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी, इसका कोड नंबर क्या है, इस लड़ाकू विमान का कोड नंबर क्या है व्हाइट स्वान का, TU-160M, क्या है, TU-160M। अगर बात करें इसकी खासियत की, तो जो है 600 मीटर की जो है या जो है ऊंचाई भरी और 30 मिनट तक जो है उड़ान भरी, और कहां से उड़ान भरी, तो यह जो कादान एविएशन इंटरप्राइज के हवाई अड्डे से। चुनाव रिलेटेड से है, तो देखिए चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के चुनाव की तारीख का जो है ऐलान हुआ है, कितने तारीख को, 8 जनवरी 2022 को। अगर बात करें चुनाव आयुक्त कौन है अभी मुख्य चुनाव आयुक्त, तो सुशील चंद्र, कौन है, सुशील चंद्र। अगर बात करें तो यह जो है
गोवा में जो है 40 सीट के लिए जो 14 फरवरी एक चरण में होगा, मणिपुर में जो है 60 सीट के लिए जो दो चरण में होगा 3 मार्च और 27 फरवरी को, पंजाब में जो है एक चरण के लिए होगा, उत्तराखंड में जो है एक चरण के लिए होगा, यूपी में जो है 7 चरण में होगा, 10 तारीख, 14 फरवरी, फिर 20 फरवरी, फिर 23 फरवरी, फिर 27 फरवरी और 3 मार्च और 7 मार्च को। अगर बात करें कि परिणाम जारी कब होगा तो 10 मार्च 2022 को। अब इम्पोर्टेंट यहाँ से ये होगा कि 7 मार्च को जो है कितने सीट पर जो है यूपी में जो है चुनाव जो है होंगे, तो 54 सीट पे। इस तरह से क्वेश्चन जो है आया हुआ भी है बीपीएससी में। तो इस बार खासियत क्या है, तो देखिए बुजुर्ग के लिए जो पोस्टल बैलेट की भी जो है व्यवस्था रखी है, बुजुर्ग सबको जो है डिजिटल जो मशीन है उससे जो दिक्कत होती है, इसलिए जो उसे जो पोस्टल बैलेट की उसके लिए जो व्यवस्था की गई है। अब देखिए मणिपुर में जो है कब कब हुए, तो 27 फरवरी और 3 मार्च को। अब दूसरा है पंजाब लोक दल का जो है चुनाव सिंबल जो है क्या है, स्टिक एवं गेंद का जो है चुनाव चिन्ह जो है दिया गया है। पंजाब लोक दल का जो है पार्टी का प्रमुख कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब सैन्य अभ्यास से है सी ड्रैगन अभ्यास 22, तो यह जो है किन किन देशों के साथ हुआ है, तो देखिए 6 देश जो है इसमें जो है शामिल हुए थे। कौन कौन देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह जो है किस प्रकार का अभ्यास है सी ड्रैगन अभ्यास, तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और यह जो है पनडुब्बी रोडी नौसेना युद्ध रणनीतिक अभ्यास है। और यह जो किस क्षेत्र के लिए है यह अभ्यास, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए है, चीन को कमजोर करने के लिए। अब दूसरा है समुद्री साझेदारी अभ्यास जो किन किन देशों के बीच है, तो दो देश के बीच है भारत और जापान, समुद्री साझेदारी अभ्यास। और यह जो है अभी जो है बंगाल की खाड़ी में जो है यह जो है अभ्यास हुई है। और यह जो है किस प्रकार का अभ्यास है, तो यह अभी जो है नौसेना अभ्यास है और यह जो संयुक्त रूप से समुद्री हितों शांति सुरक्षा के लिए जो है यह जो है अभ्यास जो है किया गया है। अब चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ जहाँ से डायनामिक क्वेश्चन बन सकता है। बिहार में कौन सी नदी पनबिजली परियोजना को केंद्र की आपत्ति के बाद बंद कर दिया गया है, तो देखिए डगमारा परियोजना जो कि सुपौल जिला के अंतर्गत है उसे जो है केंद्र ने जो है आपत्ति के बाद जो है इस परियोजना को जो है बंद कर दिया है। अब है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक जो की अध्यक्षता किसने की, तो भूपेंद्र यादव ने जो है की है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2021 रिपोर्ट, यह जो है रिपोर्ट जो है यहाँ से लगभग क्वेश्चन आता ही रहता है, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ से क्वेश्चन का बहुत तरह के एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जो रिपोर्ट जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो FSI उत्तराखंड में है तो उसी के द्वारा जो है यह जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है। और यह जो रिपोर्ट जो है किस आधार पर जो है जारी किया गया है, तो उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 के आधार पर जो है यह जो है रिपोर्ट जो है प्रकाशित किया गया है 13 जनवरी 2022 को। और अगर बात करें तो यह जो है कितने वर्ष पर जारी किया जाता है, तो यह जो है 2 वर्ष पर जारी किया जाता है, 1947 से ही यह जो रिपोर्ट जो है प्रकाशित किया जाता है। और यह जो रिपोर्ट है 2021 का यह जो है 17वां संस्करण है, कौन है 17वां संस्करण है, और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा जो है इसे जो है जारी किया गया है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, 2020 के अनुसार जो है देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, सबसे सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य, तो मध्य प्रदेश। इस तरह से क्वेश्चन आता है, देश का कुल वन और वृक्ष आवरण कितना हेक्टर में है, तो 80.9 मिलियन हेक्टर में है, इतना 80.9 मिलियन हेक्टर में है पूरे भारत का, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में कितना है समस्त वन क्षेत्र है, तो 24.62% है, कितना 24.62, बोल रहे हैं कि देश का जितना जो है क्षेत्र है उसमें जो वन का कितना क्षेत्रफल है, तो 24.62% है। अब 2019 के तुलना में 2 साल में कुल वन और कुल जो है वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि हुई है, तो देखिए 2 साल में जो है 2261 किलोमीटर स्क्वायर में जो है वृद्धि हुई है, वर्ग किलोमीटर में जो है वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो है 262179 किलोमीटर का जो क्षेत्र है कुल जो पूर्वोत्तर राज्य उसमें जो है कितना वन क्षेत्र है, अगर बात करें तो 159521 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र है पूर्वोत्तर राज्य में, जो कि देश का कुल कितना क्षेत्र है, तो 7.98% है। अब देखिए पूर्वोत्तर के 8 राज्यों का वन क्षेत्र देश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, देश के कुल वन क्षेत्र का आठ ही राज्य का बोल रहा है, तो 23.75% है। और इसमें जो है 2 वर्ष में जो है 220 वर्ग किलोमीटर जो है कमी आ गई है, यह जो है बहुत ही दुखद है। क्या 8 राज्य का जो वन क्षेत्र है उसमें जो है 2 वर्ष में जो है 220 किलोमीटर जो है कमी आ गई है। अब बात करते सबसे अधिक वन क्षेत्र की कमी वाले पूर्वोत्तर के 7 राज्य,
में जो है सबसे ज़्यादा कमी जो है किस राज्य में आई है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कितना कमी आई है, तो 257 वर्ग किलोमीटर की जो है कमी आ गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य, तो देखिए आंध्र प्रदेश जो है वन क्षेत्र में वृद्धि की है। कितना किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि की है, 647 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं वन क्षेत्र वृद्धि प्रतिशत में कितना है, तो मिजोरम का जो है 84.53% है। कितना है, सबसे ज़्यादा है वृद्धि प्रतिशत किसका, तो मिजोरम का 84.53%। अगर बात करें 2019 की तुलना में देश में कितनी वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में, तो वन क्षेत्र में जो है 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष क्षेत्र में कितना हुआ है 721। और दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल का आवरण हो जाएगा। अब देखिए 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, 17 राज्य का बात कर रहा है, तो 33% जो है वन क्षेत्र है। दुनिया में अगर बात करें तो दुनिया में सबसे अधिक वन क्षेत्र में किसका स्थान है, तो फर्स्ट स्थान पर जो रूस महासंघ है, कौन है, तो रूस महासंघ है। अगर बात करें देश का, तो देश में मैग्रोव वन में कितनी वृद्धि हुई है, तो 17 किलोमीटर स्क्वायर जो है वृद्धि हुई है। और देश में कुल मैग्रोव वन कितना है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर है। और देश के वनों का कुल कार्बन स्टॉक की बात करें तो 7204 मिलियन टन है, जो कि जो है अनुमानित किया गया है। क्या किया गया, तो देश के वनों का कुल कार्बन स्टॉक जो है 7204 मिलियन टन जो है अनुमानित किया गया है 2 वर्ष में। और कितना जो है इसमें जो वृद्धि का अनुमान है, तो 79.4 मिलियन टन का जो है वृद्धि का जो है अनुमान है 2 वर्ष में। और अगर सालाना की बात करें तो 39.7 मिलियन टन जो है इसमें जो है वृद्धि का जो है अनुमान है। अब बात करें तो भारत का जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्राज़ील से बड़ा हो गया भारत का वन क्षेत्रफल। क्या, तो ब्राज़ील से बड़ा हो गया भारत का वन क्षेत्रफल। और 2030 तक जो है भारत ने कार्बन स्टॉक में कितना 2.5 से 3 अरब टन जो वृद्धि का जो है लक्ष्य रखा है। कितना, 2.5 से 3 अरब टन। अब है पेड़ों का जो है कवर बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो पेड़ों को कवर बढ़ाने के लिए नगर वन योजना जो है शुरुआत की गई, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब चलते हैं राजनीतिक, जो कि पोलिटी सेक्शन से है, ज़्यादा कुछ नहीं है, संसद से रिलेटेड है कि अभी हाल ही में जो है संसद में जो है बजट डायलॉग 2020 का जो है आयोजन किया गया। कितने से कितने तारीख तक, तो 9 से 13 जनवरी के बीच में। इसमें जो 9 तारीख को जो है शुरुआत हुई और उसके बाद जो 2 दिन और चला 12 और 13 जनवरी को। तो वही पूछ रहा है कि यह जो डायलॉग्स है किसके द्वारा किया गया था, तो NYP नेशनल यूथ पार्लियामेंट के द्वारा। इसकी स्थापना किसने की है, तो कार्तिकेय गोयल ने की है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो युवा द्वारा राष्ट्र निर्माण के मुद्दों पर जो है बहस करना इसका जो है उद्देश्य ही है। अब साइंस से है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किस कछुआ को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव के रूप में नामित किया है, तो जोनाथन कछुआ है। इसकी उम्र कितनी है, 190 वर्ष। जोनाथन कछुआ 190 वर्ष। अब नए ग्रह की खोज की गई है, उसका नाम क्या है, तो WASP-103b। और इसे जो है किससे पता किया है, तो लव नंबर नामक पैरामीटर के उपयोग से जो है इसे जो पता किया है। और इसे जो गर्म बृहस्पति माना जा रहा है। और इसकी दूरी की बात करें तो सूर्य से जो है यह जो है 1800 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर जो स्थित है। अब जो है पारदर्शी खून वाली मछली की खोज की गई है, तो वही बोल रहा है कि इसका स्थान कहाँ है या किस स्थान पर खोज की गई है, तो न्यूपेगेटोपिप्स आयना जो है, जो कि वेडेल सागर में है, वहाँ पर जो है इसकी जो है खोज की गई है। और इससे जो है क्या नाम दिया गया, तो इसे जो है आईफिश मछली भी कहते हैं। और यह जो एकमात्र ऐसी कशेरुकी है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं जो है नहीं होती है। इसके बाद है मोलस्क की दुर्लभ नई प्रजाति की जो है खोज हुई है, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम नंदनी है। और इसकी अगर बात करें, इसकी वाल्व की लंबाई कितनी है, 2.2 mm है। और यह जो है किसके द्वारा जो है खोज की गई है इस प्रजाति की, केरल और ब्राज़ील के शोधकर्ता के द्वारा। अब देखिए दूसरा है, मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय ने जई गेहूँ चावल राम तिल की नई किस्म विकसित किया, इसका नाम क्या है, तो देखिए जई का जो है नाम है JO5 से लेकर 304 तक गेहूं में है। इसका वैरायटी का नाम दिया गया MP 1323 और MP 1358। चावल की बात करें तो JR10। राम तिल की बात करें तो JNS 521, JNS 2015 से लेकर 9 तक है और JNS 2016 से लेकर 1115। अब बहुत ही चर्चा में रहा है कि अब अमेरिका जो है भारत से जो है आयात करेगा क्या, तो आम प्रतिबंध हटा दिया है। इससे पहले कोविड के बाद जो है अमेरिका जो प्रतिबंध लगा दिया था, तो इसलिए चर्चा में है। तो वहीं से क्वेश्चन निकल गया है कि भारत जो है 2019 में जो है
अमेरिका को जो है कितना आम जो निर्यात किया था, तो 1095 टन जो है भारत जो 2019 में जो है अमेरिका को जो निर्यात किया था। उसके बाद जो कोविड के बाद जो है बंद हो गया, प्रतिबंध लग गया, उसके बाद जो निर्यात नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है ये जो प्रतिबंध जो है हटा लिया है। तो जितने भी थे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे को इस वीडियो में जो डिस्कस किए हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ हेल्प हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।